किया था। चलो अगला पेज तुम पढ़ो। और इस तरह झांसी की रानी ने ग्वालियर की जंग जीत ली। चार्ली, क्लास में ध्यान दो, कल से टेस्ट है और ये रिजल्ट्स फाइनल में काउंट होंगे और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा। देखना, इस बार भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोपी को ही मिलेगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा बच्चे, देखना। समझ में ही नहीं आती है, पर अगर गोपी फर्स्ट आ गया तो काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं बिना पढ़ाई करे टेस्ट में फर्स्ट आ जाऊं। ये बिना लाइट जली तब मेरा फॉर्मूला काम किया। और आप कब आए? अभी कुछ देर पहले ही। और आप सबके लिए एक खास फोटो बूथ भी रखी। ये रही। चलो जल्दी फोटो बूथ चलें, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले खाना खाते हैं प्लीज, बहुत भूख लगी है। तो फिर चलो जल्दी खाना खाते हैं, फिर डांस करेंगे और आखिर में फोटो बूथ चलेंगे। कैमरा माइ
जरा पीछे तो देखो। मैं बच्चों को बचाता हूँ और तुम जाओगे सीधे जेल में। हेलो खना अंकल। टेस्ट है और तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे सांप, बंदर, और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? अब टीचर, ये मैंने नहीं, ये चिप्पी चॉप पेंसिल ने लिखा है। चिप्पी चॉप? अच्छा, तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ, नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिप्पी चॉप, ये तुमने क्या कर दिया? अब प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। चार्ली, चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये जोक्स डलवा दिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने चार्ली को राजू। क्यों चार्ली, आज अपने पेंसिल पर इतना गुस्सा? आज से मैं पेंसिल से नहीं, इस पेन से लिखूंगा।